बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता नसीरुद्दीन शाह आज 73 वर्ष के हो गए हैं। 20 जुलाई 1950 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जन्मे नसीरुद्दीन शाह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर और नैनीताल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पूरी की। वर्ष 1971 में अभिनेता बनने का सपना लिए उन्होंने दिल्ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला ले लिया। वर्ष 1975 में नसीरुद्दीन शाह की मुलाकात जाने माने निर्माता निर्देशक श्याम बेनेगल से हुई। श्याम बेनेगल उन दिनों अपनी फिल्म निशांत बनाने की तैयारी में थे। श्याम बेनेगल ने नसीरुद्दीन शाह में एक उभरता हुआ सितारा दिखाई दिया और अपनी फिल्म में काम करने का अवसर दे दिया। वर्ष 1976 नसीरुद्दीन शाह के सिने करियर में अहम पड़ाव साबित हुआ। इस वर्ष उनकी भूमिका और मंथन जैसी सफल फिल्में प्रदर्शित हुई। दुग्ध क्रांति पर बनी फिल्म मंथन में नसीरुद्दीन शाह के अभिनय में नए रंग दर्शकों को देखने को मिले। इस फिल्म के निर्माण के लिए गुजरात के लगभग 5 लाख किसानों ने अपने प्रतिदिन की मिलने वाली मजदूरी में से 2-2 रुपये फिल्म निर्माताओं को दिए और बाद में जब यह फिल्म प्रदर्शित हुई तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। वर्ष 1977 में अपने मित्र बेंजामिन गिलानी और टॉम अल्टर के साथ मिलकर नसीरुद्दीन शाह ने मोटेले प्रोडक्शन नामक एक थिएटर ग्रुप की स्थापना की, जिसके बैनर तले सैमुअल बेकेट के निर्देशन में पहला नाटक वेटिंग फॉर गोडोट पृथ्वी थिएटर में दर्शकों के बीच दिखाया गया। वर्ष 1979 में प्रदर्शित फिल्म स्पर्श में नसीरुद्दीन शाह के अभिनय का नया आयाम दर्शकों को देखने को मिला। इस फिल्म में अंधे व्यक्ति की भूमिका निभाना किसी भी अभिनेता के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। चेहरे के भाव से दर्शकों को सब कुछ बता देना नसीरुद्दीन शाह की अभिनय की प्रतिभा का ऐसा उदाहरण था जिसे शायद ही कोई अभिनेता दोहरा पाए। इस फिल्म में उनके लाजवाब अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। वर्ष 1980 में प्रदर्शित फिल्म आक्रोश नसीरुद्दीन शाह के सिने करियर की महत्वपूर्ण फिल्मों में एक है। गोविंद नीलानी निर्देशित इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह एक ऐसे वकील के किरदार में दिखाई दिए जो समाज और राजनीति की परवाह किए बिना एक ऐसे बेकसूर व्यक्ति को फांसी के फंदे से बचाना चाहता है। हालांकि इसके लिए उसे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वर्ष 1983 में नसीरुद्दीन शाह को सच्ची परम्पराजय की फिल्म कथा में काम करने का अवसर मिला। फिल्म की कहानी में कछुए और खरगोश के बीच की दौड़ की लड़ाई को आधुनिक तरीके से दिखाया गया था। वर्ष 1983 में नसीर के सिने करियर की एक और सुपरहिट फिल्म जाने भी दो यारों प्रदर्शित हुई। कुंदन शाह निर्देशित इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह के अभिनय का नया रंग देखने को मिला। इस फिल्म से पहले उनके बारे में ये धारणा थी कि केवल संजीदा भूमिकाएं निभाने में ही सक्षम है, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने अपने ज़बरदस्त हास्य अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वर्ष 1985 में नसीरुद्दीन शाह के सिने करियर की एक और महत्वपूर्ण फिल्म मिर्च मसाला प्रदर्शित हुई। फिल्म मिर्च मसाला में निर्देशक केतन मेहता को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई थी। यह फिल्म सामंतवादी व्यवस्था के बीच पिसती औरत के संघर्ष की कहानी बयां करती है। 80 के दशक के आखिरी वर्षों में नसीरुद्दीन शाह ने व्यावसायिक सिनेमा की ओर भी अपना रुख कर लिया। इस दौरान उन्हें हीरो हीरालाल, मालामाल, जलवा, त्रिदेव जैसी फिल्मों में काम करने का अवसर मिला, जिसकी सफलता के बाद नसीरुद्दीन शाह को व्यावसायिक सिनेमा में भी स्थापित कर दिया। 90 के दशक में नसीर के दर्शकों की पसंद को देखते हुए छोटे पर्दे का भी रुख किया और वर्ष 1988 में गुलजार निर्देशित धारावाहिक मिर्जा गालिब में अभिनय किया। इसके अलावा वर्ष 1989 में भारत एक खोज धारावाहिक में उन्होंने मराठा राजा शिवाजी की भूमिका को जीवंत कर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। अभिनय में एकरूपता से बचने और स्वयं को चरित्र अभिनेता के रूप में स्थापित करने के लिए 90 के दशक में उन्होंने स्वयं को विभिन्न भूमिकाओं में पेश किया। इस क्रम में 1994 में प्रदर्शित फिल्म मोहरा में वे खल चरित्र निभाने से भी नहीं हिचके। इस फिल्म में भी उन्होंने दर्शकों का मन मोह लिया। इसके बाद उन्होंने टक्कर, हिम्मत, चाहत, राजकुमार, सरफरोश जैसी फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाकर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। नसीरुद्दीन शाह सिने करियर में उनकी जोड़ी स्मिता पाटिल के साथ काफ़ी पसंद की गई। नसीरुद्दीन शाह अब तक 3 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। इन सबके साथ ही नसीरुद्दीन शाह 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए हैं। फिल्म के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए वे भारत सरकार की ओर से पद्मश्री और पद्मभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। नसीरुद्दीन शाह ने करीब 4 दशक लंबे सिने करियर में 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। नसीरुद्दीन शाह आज भी उसी जोश और खरोश के साथ फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं।